वेलकम टू स्वेब्स इन्फोटेक। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ब्लॉग डाल सकते हो। ठीक है, मेरे काफी कस्टमर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किस तरह से आपकी वेबसाइट में ब्लॉग ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बेसिक सा लेआउट के साथ आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में ब्लॉग लिख सकते हो। ठीक है, ब्लॉग जनरली सर्च इंजिन ऑप्टिमाइज के लिए यूज होता है। मतलब आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो या उसके रिलेटेड टॉपिक के बारे में अगर आप ब्लॉग लिखते हो अपनी वेबसाइट में, तो वो सारे वर्ड्स एज अ कीवर्ड यूज होते हैं गूगल में और आपकी वेबसाइट को रैंकिंग करने में हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई स्पाइसेस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो या सेल करते हो, तो आप स्पाइसेस के बारे में लिख सकते हो, रेड चिल्ली, टर्मरिक के बारे में, या फिर जनरली स्पाइसेस के बारे में भी लिख सकते हो, उनके बेनिफिट्स, वो कितना सेल होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट में, उसका यूज क्या है, ये वो। ठीक है, तो वो सारे, फिर कोई अगर सर्च करता है स्पाइसेस या कुछ, तो गूगल आपकी वेबसाइट वहां पर सर्च करके दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लीड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉग इन कर लेना है। ठीक है, तो वर्डप्रेस एडमिन पैनल में लॉग इन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वर्डप्रेस लॉग इन करने के लिए हमें बेसिक से स्टेप से उसको फॉलो करना चाहिए जो मैंने आगे एक वीडियो में कवर किया हुआ है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि जनरली क्या करना होता है, कि जो भी आपका डोमेन रहता है, ठीक है, वो डोमेन नेम स्लैश wp डैश एडमिन। ठीक है, मतलब अगर समझ लीजिए कि आपका डोमेन नेम है एबीसी इंटरनेशनल, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, एबीसी इंटरनेशनल .com, ये आपका डोमेन है, जो भी आपका डोमेन नेम है वो आपको लिखना है, उसके बाद wp डैश एडमिन। ठीक है, उसके क्या होगा, आपका वर्डप्रेस एडमिन पैनल का लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको पूछेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, तो आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, वो इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट का है, तो इस तरह से आपका वर्डप्रेस एडमिन पैनल शो होता है लेआउट। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, उसको आप क्लोज भी कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर डैशबोर्ड के नीचे पोस्ट करके एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, उस पर माउस लेके जाओगे या क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे ऑल पोस्ट, ऐड न्यू कैटेगरीज। ठीक है, तो आप अपने ब्लॉग्स की कैटेगरीज भी बना सकते हो, जैसे स्पाइसेस के बारे में लिखना हो तो स्पाइसेस की कैटेगरी, नहीं बनाना हो तो भी चलता है। ठीक है, ये ऑप्शनल रहता है। उसके बाद आप यहाँ से भी न्यू बटन पर माउस लेके जाओगे तो भी यहाँ से पोस्ट आ जाएगा, अगर आपको न्यू पोस्ट क्रिएट करना है तो। ठीक है, तो ब्लॉग लिखने के लिए हमें न्यू पोस्ट क्रिएट करना रहता है, तो एक यहाँ से होता है न्यू पोस्ट या फिर यहाँ से ऐड न्यू। ठीक है, तो पोस्ट पर क्लिक करो या माउस लेके जाओगे तो ऐड न्यू हो जाएगा। और कुछ ब्लॉग लिखने के बाद आपको देखना हो तो आप ऑल पोस्ट पर क्लिक करके वो सारे ब्लॉग्स देख सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो हम फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करते हैं किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया ऐड न्यू। तो जैसे ही आप ऐड न्यू करोगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा आपका ब्लॉग का टाइटल क्या है, मतलब आप किसके बारे में ब्लॉग लिखना चाहते हो, आपके ब्लॉग का नाम क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंडियन स्पाइसेस आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये मेरा एक टाइटल होगा, आपको जो भी लिखना हो। ठीक है, रेड चिल्ली के बारे में लिखना हो, अपने शूज के बारे में लिखना हो, क्लोथ्स के बारे में, गारमेंट्स के, जो भी आपके वेबसाइट के रिलेटेड टॉपिक हो आप उसके टॉपिक का नाम यहाँ डाल सकते हो, जो भी हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बारे में अगर कोई पैराग्राफ लिखना हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो। जैसे कि मैं कोई एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, तो वो एक पैराग्राफ मेरा यहाँ से ये रहेगा कि और बिजनेस हैज बिन ये वाला। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कर लिया उसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे एंटर दूंगा, जैसे यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिख सकता हूँ, अगर मुझे पैराग्राफ नहीं लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ क्लिक करूंगा यहाँ प्लस का आइकॉन होगा। ठीक है, तो वह यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, मुझे पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग देना है, इमेज लेना है, लिस्ट देना है, गैलरी देनी है, क्वोट लिखना है। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर कोई हेडिंग देना है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेनिफिट्स ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, उसके बाद एंटर। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है,
पैराग्राफ नहीं लिखना है, यहाँ पर मुझे लिस्ट देना है जैसे कि क्या क्या बेनिफिट्स है, तो बेनिफिट्स वन जो भी हो ठीक है, उसके बाद एंटर दोगे तो बेनिफिट्स ये कुछ बेनिफिट्स 3 हो गया, ये 4th हो गया ठीक है, जो भी आपको लिखना हो उसके बाद फिर से एंटर दोगे, फिर से यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे कुछ इमेज लेनी है, इमेज एक लेनी हो तो ये इमेज, और मल्टीपल इमेज मतलब गैलरी लेनी हो तो यहाँ से ठीक है, तो मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ कुछ टेकआउट अवर स्पाइसेस। के बाद एंटर कर देता हूँ और वहां पर जाकर मैं कुछ गैलरी ले लेता हूँ इमेजेस के ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक अपलोड और एक मीडिया लाइब्रेरी ठीक है। तो मीडिया लाइब्रेरी का मतलब है जो वो इमेज जो आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है अपने वेबसाइट में, वो सारे इमेजेस आपको शो कर देंगे ठीक है। आपको वहां से लेना है तो मीडिया लाइब्रेरी, अगर आपको न्यू इमेज अपलोड करना है अपने कंप्यूटर में से ठीक है, तो अपलोड, तो जैसे कि मुझे तो अपलोड नहीं करना है, मैं तो मीडिया लाइब्रेरी से ही यूज कर लूंगा ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ इमेजेस, जैसे कि एक ये रेड चिली हो गया, ये ब्लैक पेपर हो गया, ये मस्टर्ड सीड हो गया, ये क्लाउज हो गया, ये कोमिन सीड, ये कोरिएंडर सीड, ये रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर सीड, एस्ट्रोफिलिया, और यहाँ से कर देता हूँ इंसर्ट ठीक है। आपको कुछ कैप्शन लिखना हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पर आ जाएंगे ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से ब्लॉक में आपको दिखेगा कि भाई आपको कितने कॉलम रखने, मतलब पूरा अगर सिलेक्ट होता है तो थंबनेल साइज क्या रखनी है, राउंडेड रखना है ठीक है, जो भी आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से हो जाएगा ठीक है। कुछ अल्ट्रा टेक्स्ट लिखना हो उसके बारे में तो आप लिख सकते हो ठीक है, मतलब अगर ब्लैक पेपर के बारे में कुछ लिखना हो तो ये इमेज पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ अल्ट्रा टेक्स्ट आ जाएगा ठीक है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो, वो भी एसईओ के लिए हेल्पफुल रहता है ठीक है, सब इमेजेस के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ से आप पूरा सिलेक्ट करोगे ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से कुछ इमेजेस आ गए। आपको अल्ट्रा टेक्स्ट लिखना होता है क्लिक करके, यहाँ पर आप अल्ट्रा टेक्स्ट भी लिख सकते हो ठीक है, यहाँ ब्लॉक पर जाकर ये बारे इसके ये कार्डमम के बारे में सॉरी ये कोरिएंडर सीड के बारे में कुछ लिख सकते हो, उसके बाद कोरिएंडर सीड पाउडर के बारे में जो भी कुछ लिखना हो ठीक है। उसका मतलब क्या रहता है कि शायद इमेज लोड होने में टाइम लगे, तो शायद कोई माउस लेके जाए तो भी उसको ये टेक्स्ट दिख जाए तो उसको पता लग जाएगा कि क्या है। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक पैराग्राफ ठीक है, फिर से मुझे अगर कोई पैराग्राफ लिखना है तो मैं कर दूंगा, उसके बाद जो भी आपको कुछ लिखना हो ठीक है। यहाँ काफी सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप सर्च करके देख सकते हो, कॉट लिखना, पैराग्राफ हेडिंग ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। और एक फिर यहाँ पर पोस्ट में आकर नीचे होगा एक फीचर इमेज ठीक है, जो ब्लॉग का मेन इमेज रहता है, तो आपको ये फीचर में आके सिलेक्ट इमेज करके कोई भी एक इमेज ले लेना है, जैसे कि मैं ये इमेज ले लेता हूँ ये वाला ठीक है, मतलब जो भी आपको ब्लॉग में दिखाना हो वो वाला इमेज ठीक है, तो मैं ये ही ले लेता हूँ और उसके बाद सेट फीचर इमेज कर देता हूँ, वो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। और उसके बाद करना है आपको पब्लिश ठीक है, और जैसे ही आप पब्लिश कर दोगे ठीक है, तो वो आपके ब्लॉग पेज में यहाँ पर आ जाएगा ठीक है। जैसे ये रहा, ये मैंने फर्स्ट ब्लॉग लिखा अभी जस्ट ठीक है, यही हमने फीचर इमेज यूज किया है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। रिसेंट पोस्ट भी यहाँ पर आ रहा है ठीक है, कोई कमेंट करेगा तो वो भी यहाँ आ जाएगा, किसी को ब्लॉग सर्च करना है तो वो यहाँ से कर पाएगा। आप नीचे आओगे आपको यहाँ डेट भी दिखाई देगी, 24 जनवरी है, एडमिन ने ये डाला हुआ है ठीक है। मतलब यहाँ एडिट का ऑप्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं एडमिन पैनल से लॉग इन हूँ,
अगर कोई नॉर्मल यूजर होगा तो उसको ये एडिट का ऑप्शन नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ ये डेट दिखेगा, टाइटल दिखेगा किसने डाला है, और अगर कमेंट डालनी हो तो डाल सकता है, ठीक है। और अगर कमेंट नहीं डलवाना हो, ठीक है, उसका भी ऑप्शन रहता है, जैसे यहाँ पर डिस्कशन में अवेलेबल, एक्सेप्ट में अवेलेबल होगा, ठीक है, डिस्कशन में अलाउ कमेंट अलाउ, तो यहाँ से अगर आपको कमेंट नहीं देना है, मतलब कोई आपके ब्लॉग पर कमेंट ना करना चाहे, ठीक है, मतलब आपको नहीं पसंद है कोई आपके ब्लॉग पर कमेंट करे, या आपको लगता है कि कोई खराब कमेंट कर देगा मेरे ब्लॉग पर, तो आप यहाँ से उसको डिसेबल कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है वो। उसके बाद आपको फिर से अपडेट कर देना है, ठीक है, फिर से आप यहाँ अपने लोगो पर क्लिक करोगे, आप डैशबोर्ड में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको ब्लॉग दिखाई देगा, ऑल पोस्ट करोगे तो अभी एक लिखा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। अगर उसके बाद आपको न्यू करना है तो ऐड न्यू यहाँ से कर सकते हो, ऐड न्यू पोस्ट यहाँ से कर सकते हो, और न्यू के न्यू पोस्ट यहाँ से भी। अगर दूसरा ब्लॉग लिखना हो तो आपके पास अब तीन ऑप्शन है दो में से, ठीक है। और अगर किसी ब्लॉग को लिखने के बाद आपको लगता है मुझे एडिट करना है, तो सिंपली आप वो ब्लॉग के ऊपर माउस लेके जाओगे, आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का, तो आप यहां से उसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही एडिट करोगे फिर से जिस तरह से हम ब्लॉग लिखते थे वही लेआउट आ जाएगा, जो भी पैराग्राफ में चेंजेस हो यहाँ वहां आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट में इमेज अगर किसी को रिमूव करनी है तो वो इमेज आप सिलेक्ट करो, यहाँ से आप उसको रिमूव कर सकते हो। अगर रिप्लेस करना हो तो यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर समझ लीजिए ये आप पैराग्राफ आपको रिमूव करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से फिर से उसको रिमूव पैराग्राफ, ये ऑप्शन आपको शायद दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पूरा ब्लॉग लिख सकते हो। उसके बाद आपको फिर से क्या कर देना है, अपडेट कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आप ब्लॉग पेज पर आ गया हूँ, यहाँ से जैसे ही मैं इमेज पर या कहाँ पर भी क्लिक करूंगा, ठीक है, तो वो पेज ओपन हो जाता है। जनरली मैं चेक कर लेता हूँ क्या चेक हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, मेरे डेटाबेस में एक रिफ्रेश नहीं किया था मैंने डेटाबेस, ठीक है, बाकी सब नॉर्मल था। जैसे अभी मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अपना पेज, तो अभी अब मैं कोई भी लिंक पर या इमेज पर क्लिक करूँगा तो सीधा वो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं हिस्ट्री क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तो देख सकते हो आप, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और ये पूरा ब्लॉग ओपन हो गया है, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से मैंने इमेजेस यूज़ किए थे पैराग्राफ वही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कमेंट्स अलाउ किए हुए हैं तो कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, मैं अगर कमेंट डिसेबल कर दूंगा तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ब्लॉग लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक के साथ, कुछ नए लॉजिक के साथ और कुछ नई डिज़ाइंस के साथ, तो बने रहिएगा। और अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो आपको ज़रूर अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करने के लिए यूज़फुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।